हेलो दोस्तों, मैं तनप्रीत फिर से हाजिर हूँ फिटनेस रोजाना के नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं पैरों के दर्द के बारे में। डेफिनेटली आपने हमारी सीरीज में कई बार ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने पैर की एक्सरसाइजेस आपको बताई। तो दोस्तों, पैरों की अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि हर कोई एज ग्रुप या हर कोई अलग अलग जो इंसान है वो अपने हिसाब से एक्सरसाइज चूज करके कर सके, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज हर किसी को सूट हो ये जरूरी नहीं। तो आज की जो पैर दर्द की एक्सरसाइज है उसमें हम फोकस करने वाले हैं अपने पूरे पैर को, यानी कि उसमें हम फीट एक्सरसाइज भी करेंगे, घुटनों के यानी कि जोड़ों के दर्द के लिए एक्सरसाइज, थाइस के लिए एक्सरसाइज, और जो जॉइंट है यानी कि कूल्हे की हड्डी जहां से आती है वो पूरी एक्सरसाइज करेंगे। तो आप ये समझिए, ये लोअर बॉडी एक्सरसाइज आपके पैरों के जोड़ों के दर्द को कैसे आराम देने वाली है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस तरीके से मैं एक स्टूल पर बैठी हूँ, छोटे टेबल पर बैठी हूँ, ऐसे ही आपको भी घर पर एक ऐसा टेबल ले लेना है या छोटी कुर्सी आप ले लीजिए जिसकी बहुत ज्यादा हाइट ना हो, यानी कि आपके पैर आराम से जमीन पर हो। इसके बाद आपको क्या करना है, आप एकदम स्टैंड स्टिल जो कहते हैं स्ट्रेट होकर बैठ जाइए, और उसके बाद अपने टोज पर आपको इस तरीके से थोड़ी देर टोज उठाकर रखने हैं, यानी कि अपनी एड़ियों को इस तरीके से उठाना है। अब आप देखेंगे जैसे ही आप अपने पैरों को यानी कि आपका वजन जो है लोअर बॉडी का आप टोज पर लेकर आए तो आपको एक खिंचाव महसूस होगा अपर जो आपका पैर है वहां पर। जिस पैर में आपको कम सेंसेशन होगा यानी कि उस पैर की जो मसल्स हैं वो थोड़ी डीएक्टिवेटेड है, उस पर आपको फोकस ज्यादा करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका लेफ्ट पैर जो है वो ज्यादा आपको सेंसेशन नहीं दे रहा, स्ट्रेचिंग फील नहीं करा रहा, तो इस पैर पर आप ज्यादा फोकस डालें और इस तरीके से बार बार इसे ऊपर नीचे करें। आप जितनी बार उस पर फोकस करेंगे आपको तुरंत पैरों में जो है बैलेंस बनाना एक तो आपके लिए आसान हो जाएगा और साथ ही आपका मूवमेंट जो है वो भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप बैठे हैं अब अपने पैर को आप फोल्ड कर लीजिए। अब बारी आई घुटने की, अब आपको पैरों को फोल्ड करना है। अब आप पैर जैसे ही आप फोल्ड करते हैं अब आपको पैरों को इस तरीके से उठाना है और सीधा लेकर आना है। जिसके घुटनों में दर्द है वो पैर सीधा लाने में उसके लिए थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि यहाँ जो जॉइंट है उसमें थोड़ी सी एक क्रैकिंग आवाज आएगी, क्योंकि जो हमारी बॉल है वो कई बार जो सॉकेट होता है वो खिसकने की आवाज देता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कई बार वो अटक जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको आप हाथ का सहारा लेना है। वरना अगर आप बिना हाथ के कर सकते हैं इस तरीके से सीधा पैर उठा करके ऐसे नीचे ऊपर कर सकते हैं तो आप सबसे बेस्ट है आपके लिए। तो आपको ये दोनों पैरों के साथ करना है, पहले पैर को मोड़ना है ताकि आपका जॉइंट जो है वो इजी हो जाए, उसके बाद आपको इस तरीके से पैर ऊपर नीचे करना है। अब तीसरे एक्सरसाइज के लिए यानी कि अब हम घुटने से ऊपर आएंगे, हम कूल्हे की हड्डी से लेकर थाइस वाले पोर्शन पर फोकस करेंगे। इसके लिए आपको खड़े हो जाना है, जिस कुर्सी पर या टेबल पर आप बैठे थे उस पर आपको अपनी इस तरीके से फीट रखनी है। ध्यान रखिए कि जब आप अपना पैर ऊपर रख रहे हैं या पैर का पूरा वजन जो इस पर डाल रहे हैं तो आपका टेबल या चेयर इतना ढीला या हल्का नहीं होना चाहिए कि आपके पैर डालते वो गिर जाए, वरना ऐसे में आपको इंजुरी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको पूरा पैर जो है फुट आपका टेबल पर रखना है, अपने हाथ को थाइस पर रखना है और इस तरीके से पुश करते हुए आपको आगे की तरफ जाना है, जितना आगे आप जा सकें इस तरीके से जाना है। इसीलिए ध्यान रखना है कि टेबल हल्का ना हो ताकि आप गिरे ना, और फिर पीछे आ जाना है, फिर आगे जाना है ऐसे और पीछे आ जाना है। सेम रिपीट करना है आपको राइट वाले पैर के साथ, हाथों को रखेंगे घुटने के ऊपर और प्रेस करते हुए आगे देन पीछे, प्रेस करते हुए आगे देन पीछे। ध्यान रखना है कि आप ऐसे एक्सरसाइज करते वक्त इनहेल एक्सहेल जरूर करते रहें, आपको अपना मुंह बंद नहीं करना है, मुंह खोल करके एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जब हम मुंह खोल कर सांस लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से ऑक्सीजन ले सकते हैं एक्सरसाइज करते वक्त। तो दोस्तों, अपने पूरे पैरों का ध्यान अगर आपको रखना है, अगर आपको भले ही एक ही साइड पर कहीं तकलीफ है लेकिन फिर भी आप अगर इस पैरों की एक्सरसाइज को अपनाते हैं, अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पैर बहुत ज़्यादा आपको लाइट फील होंगे, साथ ही आपको बहुत एक्टिविटी करने के लिए भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और आपका पैर जो है वो दिन भर एक्टिव रहेगा। अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा कहीं चलना भी पड़े तो इससे आपके पैर दर्द नहीं होंगे। तो इस
पैरों की एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं अपने पैरों को ठीक रखने के लिए, पैरों की मसल्स को टोन रखने के लिए। साथ ही NBT Life को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।